छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट करार देकर सरकार ने 1,12,708 करोड़ का यह बजट पेश करते हुए आम जनता की तरक्की और खुशहाली और समृद्धि का बजट बताया। तो वहीं बीजेपी ने इसे झुंझुना वाला बजट करार दिया। छत्तीसगढ़ बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था की मजबूती, बेहतर वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का बेहतरीन नमूना है। भविष्य की ठोस बुनियाद के साथ आम जनता की समृद्धि और सभी वर्गों के कल्याण और रोजगार मूलक विकास कार्यों के लिए सार्थक और सुदृढ़ प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ शिक्षित बेरोजगार को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी के लिए 6800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायतों क्षेत्रों के लिए विस्तार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि यानी कि प्रतिमाह 500 की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि दोगुनी कर दी गई है। छात्रवृत्ति की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह और छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहायता योजना के तहत दी जाने वाली राशि 700 से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, जिसका काफी प्रशंसा भी हो रही है। बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी। रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार के आर्थिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपया प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं।